नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि पीवी सिंधु रविवार को वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगी और अगर वो ये खिताब जीतती हैं तो इतिहास रच देंगी। जी हां, पीवी सिंधु ने ऐसा ही किया और रविवार को वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब है उसे जीत कर इतिहास रच दिया है, साथ ही साथ देश का नाम और गौरव बढ़ा दिया है। रविवार को पीवी सिंधु का मुकाबला जो था वो जापान की नोजोमी ओकुहारा से था। बता दें कि साल 2017 में जब ओकुहारा से पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ी थी तो उन्हें हार मिली थी और इस जीत के साथ उन्होंने अपनी पिछली हार का भी बदला ले लिया है। इस टूर्नामेंट के फाइनल में पीवी सिंधु ने रविवार को ओकुहारा को 21-7 और 21-7 के बड़े अंतर से हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। वहीं इस टूर्नामेंट में जो कि गोल्ड की बात की जाए तो पीवी सिंधु के लिए ये 5वां गोल्ड है, तो वहीं ये खिताब जीतने की जो दावेदारी है वो पहली बार ऐसा कारनामा उन्होंने करके दिखाया है जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। पीवी सिंधु भारत की मशहूर स्टार सेटलर रही हैं, इससे पहले भी उन्होंने ओलंपिक जैसे और इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जैसे खिताब भी अपने नाम किए हैं। तो वहीं दो कांस्य दौर रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु भी भारत की तरफ से रही हैं। इसके अलावा पीवी सिंधु का जो खेल है वो दिन पर दिन बेहतरीन होता जा रहा है। पीवी सिंधु की शानदार जीत के लिए पूरा बॉलीवुड उन्हें तमाम तरीके की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टारों का तगाजा लगा हुआ है उन्हें एक तरीके से शुभकामनाएं देने के लिए। इन बॉलीवुड स्टारों में कौन कौन से ऐसे स्टार हैं जो पीवी सिंधु की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं, साथ ही साथ पीवी सिंधु को ढेर सारी मुबारकबाद दे रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने जाऊंगा। सबसे पहला नाम है बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान ने पीवी सिंधु को बधाई देते हुए कहा है कि आपने इस टूर्नामेंट को जीतकर एक नया इतिहास रचा है और भारत के गौरव के लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। आप ऐसे ही भविष्य में जीत हासिल करती रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। उसके बाद नंबर आता है मिशन मंगल स्टार यानी अक्षय कुमार का। उन्होंने कहा है इस बेहतरीन जीत के लिए पीवी सिंधु आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही देश का नाम बढ़ाते रहें और आगे कई और कामयाबी हासिल करते हैं, साथ ही साथ आप कई अनेक गोल्ड भी जीतें। तो वहीं तीसरे नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान का। उन्होंने भी पीवी सिंधु को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही कपिल शर्मा जैसे कलाकार भी पीवी सिंधु को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो वहीं साउथ के मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली ने भी पीवी सिंधु की इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने पीवी सिंधु को इस जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। पीवी सिंधु का खेल जिस तरीके से चल रहा है तो उसे साफ नज़र आ रहा है कि आने वाला समय जो पीवी सिंधु के लिए खास रहने वाला है। ऐसे में आपको बता दूं अगर बैडमिंटन के खिलाड़ियों की बात की जाए जो वर्ल्ड में रैंकिंग है महिलाओं की, उनमें पीवी सिंधु का जो नंबर है वो 5वें नंबर पर आता है और इस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट को ख़त्म किया वो काबिले तारीफ है। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीन के खिलाड़ी को मात्र 40 मिनट में हरा दिया था और तब से यह अंदाज़ा लगना शुरू हो गया था कि पीवी सिंधु फाइनल भी बड़ी आसानी से जीत लेंगी। यानी 21-7 और 21-7 के बड़े अंतर से फाइनल जीत कर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है और देश के गौरव को बढ़ा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।